स्वागत है आपका एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति के हक से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी हुई कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में कम से कम दो तिहाई संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। संपत्ति एक बुनियादी मानवाधिकार है और ऐसे में जो संविधान के अनुच्छेद 300A द्वारा लिखे जाने वाले मौलिक अधिकारों के समान है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति से जुड़ा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है। यह उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता है क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून है। हिंदू, आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है कि संपत्ति के हक पर। हमारे आज के विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ जो हैं अधिवक्ता ओमकार प्रसाद जी, जानकारी आपको ज्यादा देंगे। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। ओमकार जी, आपको संपत्ति से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू को समझाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। अगर आपका भी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय एक बार फिर से बता देते हैं, संपत्ति के अधिकार से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं 01206127937। दूसरा नंबर हमारा है 01206127938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो ओमकार जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्या है संपत्ति का अधिकार और एक कानूनी अधिकार क्या होता है, राइट टू प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल रहता है, विस्तार से बताएं। नेहा जी, सबसे पहले बता दूं कि दो चीजें हैं इसमें। आर्टिकल जो हमारी है वो पहले इसमें संपत्ति का अधिकार 31 में था, बट कुछ अमेंडमेंट आई मोरारजी देसाई साहब के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उस वक्त में, और उन्होंने इसको अपना जो मौलिक अधिकार के अंदर आता था इसको हटा करके इन्होंने कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया। सबसे पहली चीज यह है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहली चीज होती है कि हमारी समानता का अधिकार, आपने जैसा आप जानती हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार है, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। शोषण का के अगेंस्ट में जो अधिकार है वो 23 से 24 तक है। धार्मिक अधिकार जो है वो हमारे 25 से लेकर के 28 तक में है। शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 31 तक है, और राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 में था। लेकिन आर्टिकल 31 में रहने के कारण सबसे पहली चीज ये थी कि मान लीजिए कि सरकार को कहीं पुल बनाना है, कहीं रेलवे बिछानी है या कुछ इस तरीके का काम करना है, तो लोग कहते थे कि हमारे ये मौलिक अधिकार है, आप इसे छीन ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में सरकार को सबसे ज्यादा दिक्कत आने लगी। सरकार ने क्या कहा कि उस वक्त में जो हमारी मोरारजी देसाई की सरकार थी, और 44th अमेंडमेंट में इसको मौलिक अधिकार से हटा करके आप इसको कानूनी अधिकार में लेकर के 300A में लेकर के चले गए, जिसमें कि आप अपने इसका कानून के तरफ से तो रक्षा तो हो सकती है, लेकिन अगर सरकार को कहीं किसी चीज की जरूरत होगी या किसी संस्था के लिए काम की जरूरत होगी तो उस कंडीशन में आपको वो प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा। उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह आया जिसके तहत कंपनसेशन वगैरह का बात है, तो दैट इज ऑल डिफरेंट पार्ट, वो कभी जब हम लैंड एक्विजिशन की बात करेंगे तो उसमें चलेंगे। जी बताएं ओमकार जी, क्या बेटी शादी के बाद पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है, क्या ऐसा कोई कानून? फिर से दोबारा, क्या बेटी शादी के बाद अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है, कानून में ऐसा कुछ प्रावधान है? 2005 के पहले सबसे पहली चीज इस तरह का चीज था कि
बेटे और बेटी में थोड़ा सा फर्क रखा गया था या जिस तरीके का भी चीज था कि बेटियां उस पर क्लेम नहीं करती थी या हमारे संस्कार इस तरह के रखे गए हैं जिसके कारण कि बेटियां कभी भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में जब उसकी मैरिज हो जाती थी वो नहीं आती थी। लेकिन 2005 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने बेटी को और बेटे को समान अधिकार दिए, जिस कंडीशन पे बेटे को जितना अधिकार है उतना ही बेटी को भी अधिकार है और बेटी भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सेदारी रख सकती है जितने कि उसके मतलब भाई उसमें हिस्सेदार होते हैं। तो बेटियों को शादीशुदा बेटियों को भी उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे को अधिकार है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ओमकार जी एक दर्शक जयपुर से पवन सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा 7 साल पहले मेरी पट्टाशुदी संपत्ति को 4 व्यक्तियों ने मिलकर के आम जनता के हिस्से से FIR दर्ज करवाई थी 7 साल पहले और फिर उस पर मुकदमा चला। 7 साल के बाद में जिसने मेरे पर FIR दर्ज करवाई थी उसी ने कोर्ट में ये लिख के दिया कि साहब जो पुलिस ने FIR लगाई है मैं उससे सहमत हूँ और आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता, इसको स्वीकार की जाए। अब मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई करना कि उन्होंने मेरे को 7 साल तक परेशान किया, FIR लिखवाई, फिर FIR को भी वही मंजूर करवा रहे हैं, तो कौन से कानून के अंतर्गत मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ? ठीक है ओमकार जी। नेहा मैम कुछ आवाजें उनकी बीच में क्लियर नहीं थी, इफ यू हैव अंडरस्टूड तो आप एक बार जरा मेरे को एक बार फिर से मैं चलिए अनुरोध करती हूँ। पवन जी, पवन जी तो जहां तक मैं भी समझ पाई हूँ ये इनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए 4 लोग इनके ऊपर इल्जाम लगाया और इनकी प्रॉपर्टी जो है हड़पने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो अपने आप बैक फुट पे आ गया, मैं कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ? नहीं, अगर उन्होंने गलत कुछ किया है और इनके खिलाफ कोई FIR वगैरह डलवाया है तो उस कंडीशन में ये अपने लेवल पे जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इनको कानूनी हक है कि अगर 7 साल तक इनको परेशान किया तो ये जाकर के बता सकते हैं कि भाई हमारा सारा प्रॉपर्टी था और इस तरीके से इन्होंने हमारे को उससे महरूम रखा और बाकी सारी चीजें जो वो जाकर के थाने में बताएं या फिर कोर्ट में भी जाकर के ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो थाने में जाकर के FIR वगैरह उनके खिलाफ कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया इनके साथ में होगी। वो कानून इनको इजाजत देता है कि अगर आपको कोई संकट है तो आप उसके अगेंस्ट में जाकर के आप थाने में कोर्ट में कहीं पे भी आप स्वच्छंद है जाकर के आप अपना मतलब अपना कानूनी अधिकार को मांग सकते हैं। बिल्कुल पवन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। ओमकार जी, क्योंकि आज हम संपत्ति से जुड़ी हुई बातचीत कर रहे हैं, इस कानून के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, ओमकार जी ये बताइए कि बेटे की प्रॉपर्टी में माँ का कितना अधिकार होता है? बिल्कुल, बेटे के प्रॉपर्टी में माँ का बिल्कुल ही समान अधिकार है। मान लीजिए कि कोई इंसान एक्सपायर कर जाता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों और उसकी माँ का बराबर बराबर अधिकार है। मान लीजिए उसके 2 बच्चे वाइफ है और मदर है तो वो प्रॉपर्टी जो उसने मतलब लाइफ टाइम में अचीव की है उसको 4 मतलब जितने लग जाएंगे तो मदर को भी उतना ही कानूनी अधिकार है जितना कि उसकी वाइफ को और उसके दोनों बच्चों को। मतलब बिल्कुल अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वो इक्वली 4 शेयर उसका करना पड़ेगा और मदर को बेटे के प्रॉपर्टी में बिल्कुल समान अधिकार है जितनी उसकी वाइफ को और उनके बच्चों का। ठीक है, ये बताइए कि सौतेले बच्चों का पिता के प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है? नेहा जी, सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि चाहे बच्चा सौतेला हो या अपना हो, बच्चा बच्चा है और वो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है। सौतेले बच्चे का अधिकार उतना ही है जितना उस बच्चे का है जो मतलब कानूनी तौर तरीके से उसके पास है। अब मान लीजिए कि आप लाइफ टाइम में अगर वाइफ के रहते हुए किसी ने मैरिज कर ली और उससे वो बच्चा मतलब आ गया उसका, तो सबसे पहली चीज है कि अगर वो लाइफ में उसके पहले का और डिवोर्स दिए वगैरह उसने शादी की है तो उसकी मैरिज तो मतलब जायज नहीं है हिंदू कानून के हिसाब से। बट एट द सेम टाइम अगर वो बच्चा आ रहा है तो बच्चा कानून कहता है कि चाहे आपकी शादी जायज हो या ना हो, बच्चा लेजिटिमेट है, बच्चे में कोई अवगिन नहीं है, वो बच्चा ठीक उसी स्टैंडर्ड के साथ में रहेगा जैसे कि उसका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तो उसको भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितना इसका अपना होगा। ठीक है, ये बताइए कि लिव इन कपल्स और उनके बच्चों की प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। लिव इन रिलेशनशिप की जहां तक बात है, सबसे पहले चीज की हमारे यहाँ पे इसकी मान्यता पहले नहीं थी बट एट द सेम टाइम वेस्टर्न कल्चर कुछ हमारे यहाँ भी क्रीप इन कर गया है जिसके कारण की लिव इन रिलेशनशिप में रहना
पसंद कर रहे हैं, मेरी सलाह यही है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कि आप एक कम से कम एग्रीमेंट बना लें। आप उस एग्रीमेंट को करने के साथ साथ अगर एक दूसरे के तरीके से आप मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट आप उनके साथ में कर लेते हैं, भाई हम साथ में रहेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम मैरिज नहीं करेंगे। मैरिज की इजाजत के बगैर अगर आप रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ या जो भी लिव इन रिलेशनशिप में आप एक छत के नीचे आप रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जो कि उसमें स्पैन जो है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। बिना उसके आप उसमें लिव इन रिलेशनशिप में कोई दावा जाकर के कोर्ट के आगे नहीं कर सकते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा यहाँ पे और आपके दर्शकों के लिए भी। लिव इन रिलेशनशिप हमारा वेस्टर्न कल्चर से एडॉप्ट किया हुआ है जो हमारी संस्कृति का बिल्कुल भी खिलाफ है, लेकिन सबसे पहले जी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोग शादी वगैरह नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि वो शादी की बहुत सारी मजबूरियां हैं, शादी में बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ को एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे उसको व्यतीत करना चाहते हैं। एक छत के नीचे रह करके अगर कोहबिट कर रहे हैं, मान लीजिए कि उससे कोई बच्चा आ गया तो बच्चा फिर भी वो लेजिटिमेट ही होगा। रिलेशनशिप चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो आप लिव इन में रह रहे हैं या एक मैरिज के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई बच्चा आपके पास आ गया, उस बच्चे के अधिकार भी उतने ही होंगे जितना आपके बायोलॉजिकल चाइल्ड का होगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में है, इट शुड प्रोलॉन्ग, ताकि आपको सामाजिक संरचना के तहत इस तरीके का चीज हो जाए कि लोग कहने लगे कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पे हैं, ताकि सामाजिक मान्यता भी उसको मिल जाए और उस सामाजिक मान्यता के तहत जितने सारे चीज है वो आपको समाज में रहने का और एक बिना शादी किए हुए आप उस चीज को मतलब आप लिव इन रिलेशनशिप को मेंटेन भी कर सकते हैं। बाकी इस पे दो कानून आया था, मैं अगर उन दोनों कानूनों की बात करूं तो लिव इन रिलेशनशिप में सबसे पहले चीज की सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्लियर कट उसने सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई आप इन सब चीजों में जो कुछ भी है लिव इन रिलेशनशिप का जहां तक सवाल है आप इसपे कभी भी मतलब दो केसेज हैं, एक मेरे संज्ञान में आता है तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गटिया एंड अदर्स, इसमें 2008 की ये मेरे ख्याल से जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप एक छत के नीचे रह करके हस्बैंड वाइफ के तौर पे रह रहे हैं, कोहैबिट कर रहे हैं, उससे बच्चे अगर आ गए तो वो बच्चा बिल्कुल लेजिटिमेट है और उसको वही सारे कानूनी प्रावधान मिलेंगे, जो वही सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे जो आपको वहां से एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को आपको देना है। तो इस कंडीशन को देखते हुए तुलसा है नदर्स, और दूसरा अगर मैं एक लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें भी इसी तरीके की चीज जिसमें कि वो करीबन 50 इयर्स तक लिव इन रिलेशनशिप में रही बट दे वर नॉट मैरिड, तो कोर्ट ने कहा कि अगर वो हस्बैंड वाइफ के तौर पर उसमें रह रहे हैं और उसको पूरा समाज मान रहा है कि हाँ हस्बैंड वाइफ के तौर पर है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। दरअसल बात आज हो रही है संपत्ति के बारे में और ओमकार जी हमें विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर किसकी संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है, कानून में क्या कुछ प्रावधान होता है। ओमकार जी दरअसल ये समझाने की कोशिश करिए कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का सह स्वामित्व अधिकार होता है क्या, अगर हाँ तो कितना? फिर से दोबारा रिपीट करेंगे जी, पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का सह स्वामित्व अधिकार होता है? सबसे पहले जी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैं आपको बता दूं कि ये फोर फादर से आई हुई है। इसका सबसे पहला चीज होता है कि बाय बर्थ ही उसमें से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको राइट मिल जाता है अगर आप मेल हैं तो। इसलिए कि हिंदू डोमिनेंस की जहां तक सवाल है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे फादर के दादाजी के पिताजी से अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है तो वो मेरे को डायरेक्टली मिलेगी। इट मीन्स कि फोर फादर, चार जनरेशन मिनिमम इसमें होना चाहिए इन्वॉल्व, अदरवाइज वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमारे फादर के दादाजी के फादर, तो आप मान लीजिए कि मतलब चार जनरेशन तक में अगर वो चीजें आई तो उसमें डायरेक्टली मेरे को उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अब सेल्फ एक्वायर्ड का जहां तक सवाल है, बीच में अगर हमारे फादर ने अपने से अर्जित किया वो उसको किसी को भी देना चाहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एट द सेम टाइम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ वो राइट हम एक्यू कर लेते हैं, और जिसमें भी चार पीढ़ी से पहले का, अगर उसमें चार पीढ़ी तक के पहले का होना चाहिए, चार पीढ़ी मिनिमम, उस वहां तक की प्रॉपर्टी में वो बाय बर्थ बच्चा उसको अपने मतलब उस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार हो जाता है जी।
ये भी समझाइए सर कि अविवाहित माँ और बच्चे के अधिकार क्या रहते हैं संपत्ति पर। अविवाहित माँ और बच्चे के अधिकार क्या है प्रॉपर्टी में? जी जी जी। अविवाहित माँ और बच्चे का जहां तक सवाल है कि सबसे पहली चीज की मैंने कहा कि अविवाहित है फिर तो आप मेंटेनेंस वगैरह जो कुछ भी है वो डिफरेंटली आप ले सकती हैं, लेकिन अगर बच्चा आ गया अविवाहित मतलब महिला से भी और वो बच्चा हमेशा लेजिटिमेट है। कानून ये कहता है कि आपकी मैरिज वैलिड हो, आप नई शादी कर रही हैं या जो कुछ भी, लेकिन जो भी बच्चा उससे आ रहा है तो वो बच्चा लेजिटिमेट है, उसको सारा राइट वही मिलेगा जो एक बायोलॉजिकल बच्चे को मिलता है। तो इसलिए वो अविवाहित से हो या विवाहित से हो बच्चे का राइट उतना ही, लेकिन उसमें दो चीजें आ गई कि अगर अविवाहित से वो बच्चा आ रहा तो एंसेस्टर में उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो उसके फादर का या जो भी मतलब सो कॉल्ड मतलब उसका फादर है बायोलॉजिकल उसके प्रॉपर्टी में ही केवल उसको हिस्सा मिलेगा, ना कि उसके एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ये बताइए कि गोद लिए हुए बच्चों के प्रॉपर्टी में क्या कुछ अधिकार होता है, क्योंकि गोद लेना भी देखिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें भी तमाम जो कानूनी जो तमाम जो ये कहा जा सकता है रास्ते उसको आगे बढ़ते हुए पार करते हुए आगे उसको गोद लेना पड़ता है बच्चों को, तमाम कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बाद गोद लिए हुए बच्चों की प्रॉपर्टी में किस तरह का अधिकार होता है? सबसे पहली चीज ये है कि गोद लेने की प्रक्रिया जो मान लीजिए कि किसी के हिंदू मैरिज एक्ट और उसके हिसाब से एडॉप्शन एक्ट में मैं अगर उसको देख करके बताऊं तो हिंदू समाज में आप एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके यहाँ कोई नहीं है वो बालिग होना चाहिए, उसकी उम्र अगर बच्ची है तो वो 18 साल से ऊपर की और बच्चा है तो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, बिना उसके आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब वहां पे दो चीजें हैं कि अगर वो मेल है किसी फीमेल को अडॉप्ट करता, आप इस चीज को मार्क करें, दर्शकों को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेल है और किसी फीमेल को अडॉप्ट करता है तो उसके डिफरेंस जो एज डिफरेंस है दैट शुड बी 21 ईयर मिनिमम। अगर मान लीजिए कोई 21 साल की बच्ची को अडॉप्ट कर रहा तो जो अडॉप्ट करने वाला मेल है उसकी उम्र कम से कम 42 साल होनी चाहिए, बिना उसके वो वैलिड गोद मतलब लेने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर फीमेल है और वो किसी मेल को गोद लेना चाह रही है तो उसका भी एज डिफरेंस जो है 21 ईयर का कम से कम होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया के तहत वो गोद लेने वाला जो चीज है वो तो आ गया, गोद लेने के बाद एडॉप्शन जब हो गया हिंदू एडॉप्शन एक्ट और वो उस कानून के तहत में वो वैलिड प्रक्रिया, फिर बच्चे का उतना ही अधिकार हो जाता है जो मतलब जो बायोलॉजिकल चाइल्ड का है और गोद लिए हुए बच्चे का भी उतना ही। लेकिन गोद लिए हुए बच्चे में सबसे पहली चीज की मान लीजिए आपने एक बच्चे को गोद लिया, आप दोबारा दूसरे बच्चे को गोद लेने के लिए आप मतलब चाह रही हैं तो बिल्कुल दूसरे बच्चे को गोद लेना होगा तो उसके लिए क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी और उसका संपत्ति पर कितना अधिकार होगा ये भी हमें जानूंगी आपसे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कृष्णनंदन जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर बिहार से। कृष्णनंदन जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। चले लगता है फोन लाइन ना कट गई क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार फिर से मैं आपका रुक कर लेती हूँ सर, दूसरे बच्चे को जो गोद लेना होता है उसकी कानूनी प्रक्रिया और उसका संपत्ति पे कितना अधिकार होता है? नहीं, गोद लेने का सबसे पहली चीज है कि अलग अलग मतलब धर्मों में अलग अलग तरीके का गोद, हिंदू में हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत में आप इसको गोद ले सकते हैं। गोद लेने के बाद उस बच्चे का उतना ही अधिकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गोद लिया हुआ बच्चा अगर कानूनी तौर तरीके से गोद लिया हुआ है तो उसका उतना ही अधिकार है जितना कि एक नॉर्मल चाइल्ड का है। लेकिन सबसे पहले चीज कि उसके गोद लिए हुए बच्चे में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है वो और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, तो दोनों में मान लीजिए कि बाई बर्थ आपने तो उसका बाई बर्थ वहां पे आया नहीं तो इसलिए एंसेस्ट्रल वाले में उसको मतलब उस तरीके का कानूनी हक नहीं मिलेगा, केवल उसके फादर के सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी जो होगी सेल्फ असेस्ड प्रॉपर्टी होगी उसमें उसको पूरा हक मिलेगा। जी ठीक है सर, ये समझाइए कि छोड़ी गई पहली पत्नी की प्रॉपर्टी में अधिकार कैसे रहते हैं? पहली पत्नी को अगर आपने छोड़ दिया और दूसरी चीज की प्रॉपर्टी आपने डिवोर्स दे दिया तो उस कंडीशन में दूसरी पत्नी के जो पहली पत्नी को आपने छोड़ दिया तो वो पत्नी को किस तरीके से आपने लीगल राइट अगर उसको दिया वह डिवोर्स दिया तो डिवोर्स करने के बाद उसका मेंटेनेंस वगैरह का जैसे 24, 125 ये सारे चीज है जो कानून की प्रक्रिया में आती है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो उसमें उनको जो अधिकार मिले हुए वो अपना जाकर के वहां पे कोर्ट में दावा करें और उनको वो सारे अधिकार मिलेंगे।
प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है कि अगर आप छोड़ दिए, तो छोड़ने का लीगल वर्ड तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इफ थी डिवोर्सी, अगर डिवोर्स दे दिया गया या कानूनी तौर तरीके से छोड़ दिया गया, तो जितने लीगल राइट्स उस महिला को कानून में प्रावधान है वो सारे उसको मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर तो वो मैरिज जो दूसरी वाली मैरिज कर रहा है वो तो फिर इललेजिटिमेट हो गया ना। तो उस कंडीशन में तो आप पहले वाले जो वाइफ है उसको पूरा अधिकार जो पहले मतलब एक पत्नी का हाथ है वही मिलेगा, दूसरी वाली पत्नी जो है वो मतलब लीगली वो नहीं है लीगली वेडेड वाइफ। तो उस कंडीशन में पहले वाले में आप छोड़ने का वो तात्पर्य क्या है वो उस पे देखने वाली बात है। नहीं, इसमें भी दो चीजें रहती है, सही बता रहे हैं आप कि देखिए अगर लीगल तरीके से छोड़ा है तो अलग मामला हो जाएगा, और अगर इनलीगल तरीके से छोड़ा है और उसने दूसरी शादी कर रखी है तो ये मामले अलग हो जाएंगे। इनलीगल तरीके से छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। सबसे पहले चीज, अगर दूसरी पत्नी के साथ में आप दूसरी शादी कर ली तो पहले वाले तो मतलब वो दूसरी वाली शादी उसकी नल एंड वॉइड होगी हिंदू मैरिज के हिसाब से। लेकिन पहली वाली मैरिज तो वो सब चीज करेगी। अगर उसने प्रॉपरली डिवोर्स दे दिया तो डिवोर्स के बाद जो महिला को कानून और हक है वो सारे उसको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओमकार जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि आखिर प्रॉपर्टी से संबंधित कौन कौन से कानून है, संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है, कैसे कोई अपनी संपत्ति के लिए दावा ठोक सकता है, और कानून के दायरे में क्या कुछ आता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को बताया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।